अब मैं पहुंचा हूं अपने गांव के गुग्गा मेडी के पास, और ये है फ्रंट व्यू गुग्गा मेडी का। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे तो काफ़ी प्यारा व्यू है, और यहां पर देखिए HD वॉलपेपर लगे हैं सभी देवी देवताओं के। तो पहले अंदर चलते हैं दोस्तों, हम दर्शन कर लेते हैं गुग्गा मेडी के, उसके बाद बाहर का रिव्यू मैं करूँगा। और यहाँ पर अभी है नहीं दोस्तों कोई, तो माथा टेक लेते हैं अंदर जाके बाबा जी दरबार में। ये है दोस्तों सबसे पुरातन गुग्गा मेडी, जो काफ़ी समय पहले बनाई गई थी। यहाँ पर वॉल क्लॉक लगा है, और अंदर जो है दोस्तों ये देखिए, अभी लाइट हम जला लेते हैं यहाँ पर, रोशनी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे गुग्गा पेड़ जी का थान। तो यहाँ पर हम माथा देखते हैं, और ये ऊपर का वीडियो थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरफ का दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर HD वॉलपेपर लगाए गए हैं सभी देवी देवताओं के दोस्तों। और इस तरफ आप देख सकते हैं, और ये है हमारे गुग्गा पेड़ जी का थान दोस्तों, जो कि काफ़ी प्यारा काफ़ी भव्य लग रहा है। तो आगे की तरफ हम दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, इसको बाद में बंद करेंगे। और यहाँ से हम निकलते हैं दोस्तों, तो ये एंट्री आ जाती है, और ये गुग्गा पेड़ जी की जो मूर्ति दोस्तों यहाँ पर लगाई गई है, काफ़ी प्यारी काफ़ी भव्य लग रही है। और ये है गुग्गा पेड़ जी का जो सीलिंग किया गया है दोस्तों, दरबार का एक तरह से यहाँ पर मूर्ति लगा करके। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं दोस्तों, इस गुग्गा मेडी के अंदर चलते हैं। ये जो गुग्गा मेडी है ये नई बनाई गई है दोस्तों, और इसका व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी गुग्गा मेडी लग रही है दोस्तों ये। और यहाँ पर भी हमें लाइट वगैरह दोस्तों जलानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर लाइट का कोई बंदोबस्त मुझे लग नहीं रहा, तो चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए दोस्तों गुग्गा पेड़ जी के हम माथा टेकते हैं यहाँ स्थान पर, और इस तरफ हम आपको दिखाते हैं कि HD वॉलपेपरों से जो यहाँ देवी देवताओं की दोस्तों एक तस्वीर उतारी गई है पेपरों में, तो काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत प्यारा व्यू है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए। और इस तरह से अच्छा भी लगता है दोस्तों। तो इस तरफ से हम बाहर निकल रहे हैं, इस तरफ से निकल जाते हैं दोस्तों, द्वार को जो है बंद कर देते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर कोई आना जाए तो खींचने लग जाए। तो उस तरफ का भी दोस्तों मैं दरबार जो है बंद कर देता हूँ, क्योंकि बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर इन दरबारों को फ़िलहाल बंद ही रखना चाहिए, ताकि कोई कुत्ता वगैरह या जानवर वगैरह ना आए यहाँ पर, इसलिए इनको जो है बंद रखा जाता है मेरे हिसाब से। जी हाँ, ये ऐसे ही था मेरे ख्याल से, तो और मैं बंद कर देता हूँ। कपिल जी माफ़ करना जी। और आज शुक्रवार है दोस्तों, तो वीरवार को काफ़ी रौनक लगती है। तो अब आपको ले चलता हूँ दोस्तों मैं पीछे की तरफ, पीछे की तरफ दोस्तों देखिए, पीछे की तरफ हम इस तरफ से चलना पसंद करेंगे, और एक पहाड़ी व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ इस गुग्गा मेडी का दोस्तों। ये देखिए इस तरफ से बाहरी व्यू दिखा देता हूँ, इस तरफ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है ये सारी जगह जो है दोस्तों, ये एक तरह से खुली डुली बनाई गई है यहाँ पर देखिए। तो हम पीछे की तरफ चलते हैं दोस्तों, और पीछे की तरफ से हम जो है व्यू करते हैं इस गुग्गा मेडी का, व्यू इस तरफ से करते हैं दोस्तों। ये देखिए पीछे का फ्रंट जो है, और ये आगे का फ्रंट जो है इस तरफ का, पीछे का ही है लेकिन आगे बोल देते हैं इसको दोस्तों। तो ये हैं हमारे भज्जू कोतवाल जी, देखिए दोस्तों मूर्तियाँ दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से लगाई गई हैं। भंडारा भी चला था यहाँ पर, तो मैं कवरेज नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय मेरा चैनल नहीं था दोस्तों। तो मेरा चैनल जब से बना है तो मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ अपने गाँव की भी। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक व्यू मैं आपको इस साइड का दिखा देता हूँ गुग्गा मेडी का, काफ़ी प्यारा व्यू है देखिए, दूर तक व्यू जा रहा है। और ये इसका बाहर निकलने का रास्ता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए एक भव्य मूर्तियों का जो है निर्माण किया गया है, और यहाँ पर देखिए ये व्यू कितना प्यारा है दोस्तों। और यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ लगाई हैं, एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं हमारे भैरवनाथ जी, ये हैं थन बजरंग बली जी, और ये हैं दोस्तों नाहरवीर जी, ये हैं श्याम कौर माता जी, ये हैं सबल सिंह राणा जी, और ये हैं माता काछल, ये हैं रानी सीरियल, और ये हैं माता बाछल जी। और इस तरफ आ गया दोस्तों हमारी थन्ना वाली माता, और इस तरफ ये जो है
गुरु गोरखनाथ जी का धुना आ गया दोस्तों। और इस तरफ मैं ले चलता हूँ दोस्तों आपको, तो अंदर जो है देखिए काली माता जी हैं हमारी। ये देखिए ये दोस्तों काली माता जी हैं हमारी। और यहाँ पर ये दोस्तों फूल वगैरह लगे हैं। तो ये काली माता का जो दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है मंदिर एक तरह से मूर्ति लगा करके, ये भी काफ़ी भव्य है। और यहाँ पर देखिए घंटी वगैरह भी लगाई गई है। ये देखिए तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्यारा लगता है दोस्तों ये व्यू। और इस गेट को हम बंद कर देते हैं और यहाँ आते हैं दोस्तों शनिदेव के मंदिर के पास। तो ये है हमारे शनिदेव जी, ये देखिए। थोड़ा मैं इस गेट को खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये है देखिए दोस्तों हमारे शनिदेव जी। यहाँ पर गुल्लक भी रखी गई है, गुल्लक दोस्तों मुझे लगता है सभी स्थानों पर शायद रखी गई है। तो ये है हमारे शनिदेव जी दोस्तों। और यहाँ पर शनिवार को ज़्यादा पूजा की जाती है। तो चलते हैं दोस्तों हम इस तरफ पीपल का पेड़ आपको मिल जाएगा देखिए। और अब हम चलते हैं दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी के पास। और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको छोटा सा व्यू करके। ये देखिए दोस्तों हमारे गुरु गोरखनाथ जी जो शिव के अवतार थे हैं अब भी, तो शिव जी के अवतार हैं दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी हमारे। और भव्य मंदिर है इनका, यहाँ पर घंटी लगी हुई। और ये देखिए दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गुरु गोरखनाथ जी। तो यहाँ पर ये जो दिया बत्तियाँ धूप बत्ती होती है, दिया बत्ती होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस गेट को हम बंद कर देते हैं। पीछे थोड़ा डर लगता है क्योंकि यहाँ पर जो नीचा स्थान है दोस्तों बनाया गया है। तो यहाँ पर एक व्यू मैं आपको फ्रंट का दिखा देता हूँ, HD वॉलपेपर का देखिए। और अंदर का भी एक व्यू मैं आपको HD वॉलपेपर का दिखा दूँगा दोस्तों, ताकि जो है ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो HD वॉलपेपर का एक व्यू है दोस्तों वो मैं दिखा देता हूँ आप सबको। HD वॉलपेपर दोस्तों बड़े ही प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से HD वॉलपेपर दोस्तों यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोस्तों ये HD वॉलपेपर। यहाँ पर भक्तजनों ने लगाए हैं, जो भंडारे दे रहे हैं, सेवा लगा रहे हैं दोस्तों अपनी। काफ़ी प्यारे लगते हैं HD वॉलपेपर। और यहाँ पर दोस्तों भंडारे चलते रहते हैं, एक भंडारा यहाँ 8वें महीने में आने वाला है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पंखे भी लगाए गए हैं उस तरफ, इस तरफ, उस तरफ। और यहाँ पर दोस्तों लाइटें भी हैं। तो ये एक छोटा सा व्यू दोस्तों मैंने कर दिया है और आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगा दोस्तों।